यह है देवस्थली का आशीर्वाद रेजिडेंशियल गेटेड सोसाइटी। यहाँ पर आपको विला एंड प्लॉट मिलने वाले हैं। 6 महीने पहले हमने इस सोसाइटी का वीडियो डाला था, उस समय यहाँ पर उतना डेवलपमेंट नहीं था जितना अब डेवलपमेंट हो चुका है। इस सोसाइटी में आपको 3 पार्क दिए गए हैं, जिसमें से एक कॉमन पार्क है जिसमें आपको वाटर फाउंटेन मिलता है, जिसमें आपको फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए काफी बड़ा ग्राउंड मिलता है, साथ में उसमें जिम दिया गया है और एक वॉकिंग ट्रैक दिया गया है। दूसरा पार्क एक आयुर्वेदिक पार्क है जिसमें सभी प्रकार के मेडिसिनल प्लांट लगाए गए हैं। इस सोसाइटी में प्लांटेशन एक रिजॉर्ट की तरह किया गया है। तीसरा पार्क में आपको बैडमिंटन कोर्ट दिया गया है। सोसाइटी में ग्रीनरी को बहुत अच्छे से उगाया गया है। प्लांटेशन एक रिजॉर्ट की तरह किया गया है। आज की वीडियो में हम देखेंगे इस सोसाइटी में 3 BHK हिमालयन सिल्वर विला। तो हम 3 BHK विला देखने वाले हैं, जो अंदर से बहुत ही लग्जरी है और जो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों, ये है इस विला का फर्स्ट एंट्रेंस। तो फर्स्ट एंट्रेंस आप देख सकते हैं, काफ़ी ब्रॉड एंट्रेंस दिया गया है। यहाँ पर ये स्टील का आपको दरवाज़ा मिल जाता है। जैसे ही आप विला के अंदर एंट्री करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है गाड़ी को पार्क करने के लिए, और इधर की साइड में एक छोटा सा स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर आप मिनी गार्डनिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये ग्रीनरी लगाई गई है। तो फ्रेंड्स, ये है विला का सेकेंडरी एंट्रेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा ये दरवाज़ा मिल जाता है, देखने में एक प्रीमियम क्वालिटी का फील देता है। और ये सागवान की लकड़ी का बनाया गया है, जिसमें वुडन बोर्ड यूज किया गया है। जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं, यहाँ पर मिलता है हमें काफ़ी स्पेशियस डाइनिंग एरिया और ड्राइंग एरिया, जो देखिए कितना स्पेशियस है। यहाँ पर ऊपर की साइड में ये झूमर मिल जाता है, और नीचे की साइड में काफ़ी स्मूथ ब्यूटिफाइड टाइल्स लगाई गई है, और ये बहुत ही स्पेशियस डाइनिंग एरिया और ड्राइंग एरिया है। तो दोस्तों, ये है किचन। किचन देखिए कितनी स्पेशियस किचन बनाई गई है, यहाँ पर ग्रेनाइट लगाया गया है। किचन आपको अभी अनकम्प्लीट लग रही होगी, क्योंकि दोस्तों इसमें अभी वुडन वर्क नहीं हुआ है। आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन करा सकते हैं, इसलिए उसको ऐसे ही छोड़ा हुआ है। और यहाँ पर आपको 2 सिंक मिल जाते हैं वॉशिंग के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको रूफ में POP की फॉल सीलिंग मिल जाती है, और फ्लोर में आपको स्मूथ विट्रीफाइड टाइल्स दी गई है, तो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। तो दोस्तों, ये है ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम। तो ग्राउंड फ्लोर में एक ही बेडरूम दिया गया है, जो काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पर आपको रूफ में मिल जाती है POP की फॉल सीलिंग, और फ्लोर में काफ़ी स्मूथ विट्रीफाइड टाइल्स दी गई है, जिसका जो साइज है 2x4 का साइज यहाँ पर लगाया गया है टाइल्स का। और इधर की साइड में आप आएंगे तो यह है लोबी दी गई है। लोबी में आपको एल्यूमिनियम का डबल गेट वाला, एक साइड में जाली का दरवाज़ा दिया गया है और एक साइड में ये ग्लास का दरवाज़ा दिया गया है, जिसमें काफ़ी मजबूती ग्रिल लगाई गई है। तो इस प्रकार का कुछ यहाँ पर आपको विंडो डोर मिल जाता है। और यहाँ पर देखिए, बेसिकली दोस्तों, ये एक लोबी है जिसको आप एज ए वॉशिंग एरिया यूज कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपने कपड़े वगैरह धुल सकते हैं। ये है इस विला का ग्राउंड फ्लोर में कॉमन वॉशरूम। यहाँ पर आपको सभी दीवारों पर टाइल्स दी गई है। रूफ में आपको 4 कॉपलाइट मिल जाएंगी। वॉशरूम में वेस्टर्न टॉयलेट सीट दी गई है, साथ में एक सिंक दिया गया है। यहां पर सभी प्रकार का टैप टंकी सिस्टम, सिंक और टॉयलेट सीट ट्रस्टेड ब्रांड की दी गई है, जिसमें सोमानी और जैक्वार जैसे ब्रांड का यूज किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस विला के फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं स्टेयरकेस से होते हुए। तो स्टेयरकेस पर आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर ये ग्रेनाइट लगाया गया है, और साथ में पकड़ने के लिए यहाँ पर ग्रिल लगाई गई है, वो भी स्टील की। अभी हमें फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम पर, तो ये देखिए कितना स्पेसियस यहाँ पर ये बेडरूम दिया गया है। यहाँ पर भी आपको रूफ में POP की फॉल सीलिंग मिल जाती है, और फ्लोर में स्मूथ ब्यूटिफाइड टाइल्स दी गई है। और यहाँ पर भी आपको डबल डोर का ये पैनल मिल जाता है, विंडो पैनल, और यहाँ पर भी एल्यूमिनियम का ये विंडो पैनल बनाया गया है। और ये है लोबी। लोबी से कितना शानदार व्यू यहाँ से दिखता है, आप देख सकते हैं। सामने एक क्लब दिख रहा है, और सामने की साइड में पार्क वगैरह सब कुछ क्लियर यहाँ से दिखता है। ये है फर्स्ट फ्लोर का सेकंड बेडरूम, जो काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पर देखिए, काफ़ी स्पेशियस ये बेडरूम मिलता है। यहाँ पर भी आपको रूफ में POP की फॉल सीलिंग मिल जाती है, और नीचे काफ़ी स्मूथ ब्यूटिफाइड टाइल्स दी गई है। और यहाँ पर ये देखिए वॉशरूम, वॉशरूम बहुत ही स्पेशियस है दोस्तों। यहाँ पर आपको वॉश बेसिन मिल जाता है, इधर की साइड में वेस्टर्न टॉयलेट सीट दी गई है, और यहाँ पर सोमानी और जैक्वार जैसे ट्रस्टेड ब्रांड का यूज किया गया है, तो कोई भी आपको लोकल कंपनी देखने को नहीं मिलेगी, काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड यहाँ पर यूज किए गए हैं। तो दोस्तों, ये है लोबी।
तो लोबी से काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है और ये बिल्कुल रूम के साथ अटैच है। यहाँ से काफ़ी शानदार व्यू दिखता है। यहाँ पर ये आयुर्वेदिक पार्क दिया गया है, ये आयुर्वेदिक पार्क है और ये सामने साइड में रोड है जो सीधे हाईवे से जाके मिलती है। दोस्तों ये है फर्स्ट फ्लोर का कॉमन वॉशरूम और वॉशरूम आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस है। ऊपर की साइड में ये LED लाइट लगाई गई है और दीवार पर काफ़ी सुंदर ये टाइल्स लगाई गई है और यहाँ पर आपको ये वॉश बेसिन मिल जाता है। इधर की साइड में वेस्टर्न टॉयलेट सीट दी गई है जो कि सोमानी और जैकवार जैसे ट्रस्टेड ब्रांड का यहाँ पर यूज किया गया है। तो स्टेयरकेस से होते हुए हम उचलते हैं ऊपर की साइड में, वहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है। चलिए देखते हैं स्टेयरकेस से कैसा व्यू आता है। स्टेयरकेस से होते हुए हम ऊपर की साइड में आ गए हैं और यहाँ पर काफ़ी ओपन स्पेस हमें मिलता है। ये काफ़ी बड़ा टेरेस यहाँ पर दिया गया है और यहाँ से आप व्यू देखते हैं तो व्यू काफ़ी अच्छा यहाँ से मिलता है। और ये आयुर्वेदिक पार्क है और इस सोसाइटी में 3 पार्क दिए गए हैं जिसमें कि एक आयुर्वेदिक पार्क मिल जाता है, एक आपको नॉर्मल गार्डन मिल जाता है और एक गार्डन में एक पार्क में हमें टेबल टेनिस कोर्ट मिलता है और सामने की साइड में वो मंदिर है। तो ये है सामने की साइड में क्लब। दोस्तों ये देवस्थली का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। अगर आप देवस्थली में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या प्लॉट खरीदना चाहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में तो इस चैनल पर सारी डिटेल्स दी गई है। अगर आप इस ब्लॉग को खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है आप इस पर कॉल कर सकते हैं और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। सारी जानकारी इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो कॉल कीजिए और जल्द से जल्द विजिट कीजिए। यहाँ पर केवल 7 विला ही अवेलेबल हैं, बाकी सब सोल्ड आउट है और यहाँ पर आपको प्लॉट भी मिल जाएंगे और विला भी अवेलेबल हैं। सोसाइटी पे एक बार ज़रूर विजिट कीजिए अगर आप काशीपुर के आसपास या काशीपुर में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। तो फिर से मिलेंगे इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सबको धन्यवाद।